वेलकम टू एजुकेशन जेट एजुकेशन जेट में आपका हार्दिक स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है आंकड़े यानी डेटा आज की हमारी कंसेप्ट क्लास है जिसमें कुछ क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं इसका पार्ट टू आएगा जिसमें सभी क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे तो इसमें 2011 से 2019 तक के सभी सी टेड यूपी टेड के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है जिसको हम केवल माध्य भी बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं या मीन। तो मीन क्या होता है मान लिया हमारे पास जो है x1 x2 x3 x4 इस तरीके से हमारे पास दिए हुए हैं डेटा आंकड़े दिए हुए हैं तो इसका हमको समांतर माध्य निकालना यानी माध्य निकालना है तो फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग तो पद क्या होते हैं इनको हम एक एक आंकड़े को हम पद बोलते हैं इनका जोड़ चार पद हैं चारों का जोड़ और बटे पदों की संख्या कितने पद हैं एक दो तीन चार तो पदों की संख्या से हम इसको भाग दे देते हैं तो जब हम क्या करते हैं पदों को जोड़ देते हैं और जितने पद होते हैं उससे भाग देने पर हमको क्या मिल जाता है माध्य समांतर माध्य तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है कि अगर इस तरीके से एक्स वन एक्स टू इस तरीके से हम चार तक जोड़ दिए इसको बोलते हैं एक्स बार समांतर माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं ऊपर वाले को बार तो ये क्या होता है सिग्मा एक्स आई बटे एन एन क्या है ये जितने पदों की संख्या उसको एन बोलते हैं सिग्मा का मतलब होता है समेशन समेशन मतलब जोड़ यहां पे अब आई का मान क्या हो जाए एक हो जाए आई का मान यहां एक हो जाए तो एक्स वन और उसके बाद समेशन मतलब यहां पे जोड़ का मतलब तो एक्स फोर इन सबको कितने तक गया है एक दो तीन चार तो आई यही है एक दो तीन चार जो है हाँ आई हो जाएगा और कितने तक गया है? चार है इसमें तो पदों की संख्या चार है तो चार से हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे अब हम लोग जो है टाइप वन जो है टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो गया समांतर माध्य सिग्मा एस बार टू सिग्मा इज अपॉन एन यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या पद एक दो तीन इस तरीके से है अगर एन पद तक है तो पदों का जोड़ क्या हो जाएगा एन तक है तो जोड़ देंगे हम एन तक इसको और बटे पद कितने हैं है, एन है? एन से भाग दे देंगे तो यानी कहने का मतलब जितने पद होंगे उनको जोड़ दीजिए अब जितने पद हैं मतलब संख्या उनकी उनसे भाग दे देंगे अब एक क्वेश्चन पहले देखते हैं टाइप वन टाइप का जब आंकड़े बार बार ज्यादा नहीं आए हों जब आंकड़े जो है बार बार नहीं आए हों यानी बार बार नहीं आए हुए हैं तो यानी एक एक बार आए हुए हैं या दो 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 बार आए हुए हैं ज्यादा नहीं आए हैं तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं तो क्या हो गया डाटा हमारा अब इसका एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा पदों का जोड़ जोड़ दीजिए दो एक दो तीन चार पांच पांचों पदों को जोड़ दीजिए सात धन आठ धन ग्यारह यही तो पूरे पद हैं कितनी संख्या पदों का एक दो तीन चार पांच पांच से भाग दे दीजिए अब इसको जोड़ेंगे तो ग्यारह आठ कितना हो जाएगा ग्यारह आठ हो जाएगा उन्नीस उन्नीस और एक बीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस शब्� इकतीस इकतीस एक 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 तीस बटे पांच पांच से भाग देंगे तो क्या आया पाँच छक तीस और पान दुना दस छह दशमलव दो इसका जो आ गया ये क्या आ गया माध्य आ गया जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं या माध्य बोलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका माध्य निकालना है ये सीढ़ी दे रखा है इसमें भी इसी तरीके से माध्य निकालेंगे तो इनका एक चीज ध्यान से देखिएगा अब मान लिया श्रेणी दिया हुआ है जिसमें क्या इसका माध्य निकालना है अब देखिए एक तीन पांच सात इससे लेके उन्नीस तक गया हुआ है ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या होगा एक से लेके उन्नीस तक यानी जितने जितने का है अगर हम करें तो पूरा ऐड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसमें इसका अगर माध्य निकालना हो तो इसका हम क्या करते हैं देखते हैं सबका अंतर क्या है बराबर आ रहा है तो तीन और एक का अंतर दो पांच और तीन का अंतर दो सात और पांच का अंतर दो सबका अंतर कितना आ रहा है दो दो का आ रहा है तो इस तरह अगर अंतर समान आते हैं तो उसका माध्य निकालना होता है तो इसका तरीका क्या होता है पहला पद और अंतिम पद और उसको हम भाग दे देंगे दो से ठीक तो अब क्या हो जाएगा दो ही टर्म तो हमने लिया एक और उन्नीस उसको दो से भाग दे दिया अब उन्नीस और बीस की, कितना हो जाएगा उन्नीस और एक बीस बीस बटे दो इसका माध्य कितना आ गया हमारा दस आ जाएगा अब हम लोग टाइप टू देख लेते हैं जब आंकड़े कई बार आए हों या बारह मन जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है जब आंकड़े कई बार आए हुए अब जैसे यहां पे दे रखे माध्य लंबाई इसकी में निकालनी है तो लंबाई दे रखा है सेंटीमीटर में इकसठ पचहत्तर अस्सी सौ संख्या मतलब इकसठ दो मतलब संख्या कितनी बार आई हुई है यही फ्रीक्वेंसी होती है यही बारंबारता होती है जो जितनी बार आया हो तो इसको फ्रीक्वेंसी वाले को एफ से हम डिनोट कर देते हैं और ये हमारा जो होता है एक्स आई होता है और ये इसको एफ आई क्योंकि क्या हो रहा है केवल एफ एक नहीं आ रहा है ना कई फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं तो ये हो गया इसके लिए हम क्या करते हैं एक टेबल भी बना सकते हैं ठीक है इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं तो टेबल में जैसे हम क्या करते हैं ये हमारा हो जाएगा एक्स आई जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में होगा ये एफ आई हो जाएगा ये हो रही हमारी इसको ऐसे लिख सकते हैं इकसठ पचहत्तर उसके बाद अस्सी एक और बढ़ा लेते हैं ये एफ आई हो जाएगा ये एफ आई और एक्स आई हो जाता है इन दोनों का गुड़ा करके लिखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा इकसठ हो गया अस्सी हो गया अस्सी के बाद क्या सौ है? है अब ये जितने बार आया है मतलब बारंबारता कितनी बार आया कोई बार बार अगर आता है तो उसी को बारंबारता बोलते हैं तो एकसठ कितनी बार आया है दो बार आया तो दो एफ आई दो हो गया यहां पे पचहत्तर चार बार आया है अस्सी पांच बार आया है सौ दो बार आया फिर इन दोनों को गुड़ा करते अब इसमें क्या है एकसठ का दो बार गुड़ा करें या इकसठ को दो बार जोड़ दें अगर इसमें क्या अभी पिछला हमने जो किया उसमें क्या है उसको जोड़ते जाते हैं तो हम क्या करें कि कोई चीज अगर बार बार हमको जोड़ना हो तो उससे अच्छा है जितने बार आया उतने से हम गुड़ा कर दें एकसठ दो बार आया है तो दो बार जोड़ने से अच्छा है हम दो बार का डायरेक्ट गुड़ा कर दें तो यही तो होता है बारम जितने बार आया उससे गुड़ा कर दो तो एक टेबल हम इसमें एक ये बना लिए गुड़ा करके तो क्या हो जाएगा दो छह दो, दो एक सौ बाईस बन गया ठीक पचहत्तर चार बार आया है तो चार बार पचहत्तर को जोड़ने से अच्छा पचहत्तर गुड़े चार कर दें जो पचहत्तर दूना क्या होता है डेढ़ सौ होता है तो ये तीन सौ बन जाएगा चार से गुड़ा करने पे अस्सी आठ पंचे चालीस चार सौ बन जाएगा ये दो सौ बन जाएगा अब इनको क्या करते हैं जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं सिग्मा जहां भी जोड़ का आएगा इस तरीके से वहाँ पे ये सिग्मा लगाते हैं अब इनको जोड़ लेंगे और ये जो है इसको भी तो जोड़ेंगे जितना ऑब्जर्वेशन है जितना ये आया है जितने बार जो आया है वो भी तो हम जोड़ते हैं उसमें देखे थे ना कि जितना आया है तो इसमें हम जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा चार दो छ हो गया छः दो आठ और आठ, आठ पांच तेरह हो गया अब इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा चार तीन सात सात आठ नौ नौ सौ हो गया और नौ सौ में एक सौ और जोड़ दिया तो एक हजार हो गया और एक हजार बाईस बन गया छह तीन नौ एक दस एक हजार बाईस अब इसमें फार्मूला क्या होता है उनका जोड़ ठीक अब डेटा का जोड़ डेटा का जोड़ क्या निकला ये, यही तो हमने जो इसमें गुड़ा कर करके निकाला तो डेटा का जोड़ निकला एफ आई और एक्स आई उसमें डायरेक्ट हम जोड़ देते थे ना डेटा को इसमें हम गुड़ा करके जोड़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है इजी हो जा रहा है ना हमारा अब उसमें हम क्या करते एकसठ को हम दो बार जोड़ते पचहत्तर को चार बार अस्सी को पांच बार उससे हम गुड़ा कर दिए एक ये बन गया डायरेक्ट आ गया इनको जोड़ लिया और जितने बार आए हुए हैं ये कितने बार आए हुए हैं तेरह बार आए हुए हैं सब अब यहां पे रख देंगे एक हजार बाईस और बटे क्या तेरह अब तेरह से भाग देने पे जो आ जाएगा इसका वही आंसर हो जाएगा अब देखिए एन प्राकृतिक संख्याओं लगातार जो आ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है एन लगातार तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है जो लगातार आते हैं प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है एन एन प्लस वन बटे दो अब इसका क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना है तो कितनी प्राकृतिक संख्या एन है इसको भी तो एन से भाग देंगे हम एन से अगर हम भाग दें तो क्या आ जाएगा ये तो हमारा एन से अगर भाग दे देंगे तो ये एन और ये एन क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो क्या हो गया एन प्लस वन बाई डायरेक्ट टू हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं एन लगातार कर, आने वाले एन प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला या पहले हम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें उसके बाद इसमें भाग दे दें अब जैसे ये दे रखा है ग्यारह प्राकृतिक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य तो ग्यारह बोल रहा है ना तो एन ग्यारह हो गया तो पहले हम समांतर माध्य निकालने से पहले क्या निकाल लें ग्यारह का योग निकाल लें ग्यारह लगातार आने वाली संख्याओं का योग तो क्या होता है फार्मूला एन एन प्लस वन बाई टू होता है तो यहाँ पे ग्यारह रख देंगे ग्यारह धन एक बटे दो अभी क्या हो जाएगा ग्यारह एक बारह तो ग्यारह गुड़े ग्यारह एक बारह से दो से काट देंगे तो छ आ जाएगा ग्यारह छक्का छाछठ और क्या निकालना है इसका आप निकालना है समांतर माध्य तो समांतर माध्य अब क्या हो जाएगा छाछठ एन कितना है ग्यारह समांतर माध्य कैसे निकालते हैं पूरा जो निकलेगा योग और बटे जितना संख्या हो ग्यारह ग्यारह छक्का छाछठ तो हमारा क्या आ गया छे आ गया अब इसमें डायरेक्ट अगर ये फार्मूला जो हमने निकाला था इससे देखते हैं कैसे आ जाएगा डायरेक्ट हमने निकाला था ना डायरेक्ट समांतर माध्य लगातार आने वाले तो इसमें क्या आ रहा धन एक बटे दो यानी बारह बटे दो तब भी तो आ रहा है या तो पहले आप योग निकाल के उसका वो कर लीजिए या डायरेक्ट आप क्या कर लें ये वाला फार्मूला यूज करके आप कर लें ठीक है आप ध्यान से देखिए अब माध्यिका या मीडियम कैसे निकालते हैं तो टाइप वन जब आंकड़ों की संख्या सम हो आंकड़ों की संख्या को जनरली हम क्या करते हैं एन से डिनोट करते हैं जब आंकड़े क्या हों एन जो है सम दिए हों यानी दो हों आंकड़े या चार हों या छह हो या आठ हो या दस हो इस तरीके से तो हम उसका मध्य का कैसे निकालते हैं अब देखिए ध्यान से अगर हमारे पास चार उंगली है आंकड़े अगर सम है तो चार उंगली हो गई तो चार में आप बीच का कैसे निकालोगे एक दो तीन चार बीच का नहीं पता चलेगा ना तो बीच का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये वाला जो इस इस उंगली के बीचों बीच जो होगा वो इधर से या इधर से दोनों बीच हम देख सकते हैं तो देखते हैं कैसे करेंगे तो इसमें जो होता है स्टेप वन जो होता है सबसे पहले डेटा जो दिए होते हैं आंकड़े उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं बढ़ते हुए मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे फिर उससे बड़ा, उसके बाद उसके बाद उससे बड़ा, इसमें देखिए डेटा को हम देखेंगे सात उसके बाद दस और उसके बाद तेरह ये हमारे हो गए डेटा को हमने क्या किया बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया अब हम देखेंगे डेटा कितने बार आए हैं सम बार आए हैं या विषम बार तो एक दो तीन चार पांच छ यानी एन बराबर छ यानी सम बार आए हैं सम बार आए हैं तो आप देखिए इसमें बीच कैसे आप पता लगा सकते हैं यहां से देखें यहां से देखें तो बीच नहीं पता चलेगा ना यानी इसमें और इसके ये वाला पोर्शन जो होगा वो बीच होगा यानी इन दोनों के बीच में होगा अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है निकालने का मध्य का बराबर जब क्या हो सम संख्या हो आंकड़े जो है सम बार दिए हों इसका फार्मूला होता है n बाय टू एथ पद धन n बटे टू धन वनवत पद और पूरे का आधा तो n बाई टू एथ पद अब देखिए n क्या है n एन छू छ बटे दो कर देंगे यानी n बाय टू मतलब छ बटे दो यानी तीसरा पद धन एन बटे दो मतलब तीन धन एक चार चौथा पद अब पूरे का बटे दो अब ध्यान से देखिए तीसरा पद कौन सा है एक दो तीन पांच एक दो तीन तीसरे पद पे कौन सा है पांच ही तो है और चौथे पद पे सात है और इसका आधा तीसरा पद धन चौथा पद बटे दो तीसरा पद ना मतलब तीन नहीं तीसरे नंबर पे जो है चौथा पद मतलब चौथे नंबर पे जो है ये हो गया और सात पांच कितना हो जाएगा बारह अब बटे दो काट देंगे तो कितना आएगा छ आ गया तो माध्यिका क्या होगी इसकी छे तो पांच और सात के बीच में ही तो छे कहीं पड़ेगा तो यानी ये छे इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से ये करते हैं अब ध्यान से देखिए दूसरे टाइप का ये जब आंकड़े आंकड़ों की संख्या विषम हो यानी एक आंकड़े हो या तीन आंकड़े हो या पाँच हो या सात हो इसका भी वही तरीका है पहले डेटा को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला फिर उससे बड़ा 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 फिर उससे बड़ा, बड़ा तो यानी सबसे छोटा वाला सबसे पहले सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में इस तरीके से हम लिख दिए अब यहाँ पे हम देखेंगे n कितना है n मतलब जो डेटा दिए हैं कितने बार हैं कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात तो सात हो गया अब सात हो गया तो आप ध्यान से देखिए सात अगर चलेंगे इसका हमको क्या निकालना है मध्यिका निकालना है तो तीन इधर से छोड़ दीजिए तीन इधर से छोड़ दीजिए यह तो बना आठ तो इसकी मध्यिका क्या आ जाएगी आठ आ गया इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मध्यका निकालने का ये होता है एन धन वन बाई टू एथ पद अब एन देखिए यहाँ पे सात है सात धन एक बटे दो एथ पद अब सात एक कितना हो गया आठ बटे दो पद दो चौक यानी फोर्थ पद चौथा पद तो चौथा पद कौन है एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद तो हमने तो वैसे भी देख के निकाल दिया तो चौथा पद इसका क्या है आठ है तो इसकी मध्यिका जो होगी आठ हो जाएगी ये इन्हीं देखिए एक चीज ध्यान देना आपको कि जो डेटा दिए होते हैं ना उन्हीं में मद्दिका निकलती है या उनके बीच में निकलेगी वो ना कि इससे कोई एन से कोई से इसका लेना देना नहीं एन से केवल ये बताता है किस पोजिशन पे मध्यिका निकलेगी डेटा तो इसी में से मिलता है हमको मध्यिका इसी में से मिलेगी या तो इसके बीच में मिले या कहीं मिले लेकिन एन जो है एक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एन केवल पद बताता है कि किस पद पे मिलेगा ये ठीक है आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग बहुलक देखते हैं जिसको मोड बोलते हैं तो कोई भी डेटा इसका सिंपल फार्मूला है कोई भी डेटा सबसे ज्यादा बार जो आया हो वही डेटा जो होता है उसका बहुलक होता है यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेटा अब इसमें देखिए ध्यान से पहले हम सबको देखेंगे कौन कितने बार आया है तभी हम बहुलक निकाल पाएंगे अब ध्यान से पांच को पकड़िए तो पांच देखिए एक बार आया है दो बार आया है और कहीं पांच देखिए तीन बार आया है और कहीं आया है पांच तीन बार आया है तो पांच तीन बार आया ठीक अब हम देखेंगे अब इन्हीं में देखना सबसे ज्यादा बार कौन आया है डेटा नौ नौ तो दो ही बार आया है तो छोड़ दिया हमने आठ एक ही बार आया है सात एक बार दो बार और कहा आया सात बार दो ही बार आया है दस एक ही बार आया है ठीक उसके बाद छ एक दो, दो ही बार आया है एक एक ही बार आया है ठीक उसके बाद दो एक ही बार है तीन एक ही बार आया है नौ दो बार आया है एक ये नौ है और कहीं तो नहीं है नौ, एक ये नौ है चार चार भी तेरह अब ध्यान से देखिए पांच ही ऐसा डेटा है एक दो तीन जो सबसे ज्यादा बार आया है तो वही तो बताना है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होता है इस, इसका तो बहुलक क्या हो जाएगा सिंपल सा है बहुलक इसका पांच हो गया देखिए ध्यान से हमने जब भी निकाला मध्य का निकाला या माध्य निकाला कुछ भी वो डेटा में से ही निकालते हैं तो बहुलक हमारा पांच आ गया क्योंकि पांच जो है सबसे ज्यादा बार आया है तो इन डेटा में इन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है ठीक है आगे देखते हैं हम लोग अब ये क्वेश्चन देखिए उम्र दिया हुआ है और संख्या दे रखा है पचास साल के लोग कितनी है संख्या उनकी दस है तीस साल के अस्सी संख्या है नब्बे साल के दो लोग हैं चालीस साल के आठ लोग हैं पंद्रह साल के सौ लोग हैं अब ये देखिए सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया पंद्रह सौ बार आया है ना तो यही तो इसका क्या हो जाएगा पंद्रह जो है सौ बार आया है जो सबसे बार आया हो, तो पंद्रह तो सबसे ज्यादा बार या दस, है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा सिंपल सा है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो पंद्रह जो है सौ बार आया है तो पंद्रह इसका बहुलक हो जाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि माध्य मादि माध्यिका और बहुलक में संबंध मीन मीडियन मोड में संबंध क्या होता है तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है बहुलक बहुलक बराबर चार चौ बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य होता है इसका फार्मूला इसका इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो सबसे पहले जैसे मीन मीडियम मोड आता है ना तो मीन लिख लिया मीडियम लिख लिया इधर मोड लिख लिया इधर से तरीका बस बता रहा हूं तो मोड बराबर हो जाएगा तीन मीडियम माइनस दो मीन ये हो गया हमारा मोड बराबर तीन मीडियम माइनस दो मीन तो मीन मीडियम मोड लिख दिया मोड बराबर तीन माइनस दो तीन में से दो गया तो एक आया तो मान लिया ये एक है इस तरीके से ये हमारा फार्मूला होता है ये यूपी टेट में आ भी रखा है अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ताकि जल्दी से हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए अब हम देखते हैं यूपी टेट दो में पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है माध्य है माध्यिका भी है बहुलक भी है ठीक है तो मीन मीडियन मोड तो है परास नहीं है तो परास इसका नहीं है परास क्या होता है परास जो होता है सबसे छोटी वैल्यू जैसे अगर दो तीन पाँच नौ इस तरह दिया तो इसका परास निकालना है तो परास निकालने के लिए सबसे बड़े में से ये और सबसे छोटे को घटा दें तो ये आ गया इसका परास आ जाएगा ठीक है तो ये परास निकालने का अब ध्यान से देखिए यूपीटेड 2014 में पूछ रखा है किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता बारंबारता जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पांच को टेली चिन्ह टेली चिन्ह ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक हो गया दो हो गया तीन हो गया ये टेली चिन्ह होते हैं को टेली चिन्ह में निरूपित करते हैं पाँच को पाँच को हम कैसे निरूपित करते हैं इसका तरीका होता है एक दो तीन चार तक जाते हैं उसके बाद इसको काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा पाँच तो पाँच को ऐसे निरूपित करते हैं तो कौन सा हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अब ये क्वेश्चन देखिए यूपीटेड 2016 में पूछ रखा है कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी है इकतीस इकतालीस इकिस आयु का परिसर निकालना परिसर मतलब या परास तो ये कैसे निकलता है जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो और सबसे छोटी हो उसी को क्या बोलते हैं परास या परिसर इसका कितना फैलाव है तो इसमें हम देखेंगे इसको इसका तरीका क्या होता है इसमें हम डेटा को जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख लें तभी तो हम सबसे छोटा सबसे बड़ा पता करेंगे या हम देख लें कि सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है तो आप इसमें ध्यान से देखिए सबसे छोटा कौन सा है इकतीस दे रखा 27, ये पे है सत्ताईस तो उस पर है सबसे छोटा तेईस हो गया सबसे बड़ा आप देखिए इकतीस है इकतालीस है चौवन है चौवन में से बड़ा कोई है नहीं है तो परिसर या परास अगर निकालना है तो सबसे बड़े में से यानी चौवन हमारा बड़ा हो गया सबसे छोटा हम क्या करेंगे घटा देंगे यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इकतीस वर्ष आ गया इसका राइट आंसर अब ये क्वेश्चन देखिए यूपिटर 2011 में पूछ रखा है सोलह तेरह पंद्रह ग्यारह एक्स आठ सात का औसत कितना दे रखा है बारह दे रखा है तो एक्स का मान निकालना है तो औसत अगर इसका ये दे रखा है कितना दे रखा है औसत बारह दे रखा है तो बारह बराबर डायरेक्ट हम करेंगे औसत तो बराबर क्या होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या आकड़ों का जोड़ कर ले धन 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 धन, तो तो हुए है, धन, धन हैं उनका जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात सात आंकड़े हैं अब इसको सात को हम क्या करेंगे इधर गुड़ा कर देंगे। तो गुड़ा करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा बारह पच बारह बारह सत्तर चौरासी चौरासी बराबर अब इसको ध्यान से देखिए इसमें जोड़ने पे कितना आ जाएगा इसका सत्तर आ गया सत्तर धन आ गया. तो इसमें हम एक्स निकालेंगे तो क्या होगा चौरासी में से सत्तर को माइनस कर देंगे चौरासी में से सत्तर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा चौदह आ गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हमारा चौदह आ जाएगा अब ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट या हजार दो दोनों में पूछ रखा है दो एक दो तीन तीन छः चार आठ चौदह नौ चार आठ चार बहुलक माध्य तक और परिसर का माध्य निकालना है तीनों का माध्य निकालना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एन कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो एन हमारा हो गया तेरह ठीक है तो एन हमारा इस तरीके से तेरह हो गया आप देखिए बहुलक देख लेते हैं क्या होगा बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो अब यहां से देखिए दो एक बार आया है दो बार आया है बस दो ही बार आया है एक एक ही बार आया तीन देख लेते हैं एक दो दो ही बार आया चार देख लेते हैं एक दो तीन तीन बार आया है चार तो चार इसका बहुलक हो जाएगा सबसे ज्यादा बार जो आया होता है वही क्या होता है उसका बहुलक होता है तो चार इसका हमारा बहुलक हो गया माध्यक निकालना है इसका या माध्यक निकालना है जिसको हम क्या बोलते हैं माध्यिका हम कह सकते हैं माध्यिका ठीक है माध्यक मतलब माध्यिका माध्यिका निकालना है तो अब एन कितना है? तेरा है तो हमने बताया था ना अगर ये क्या होता है विषम होता है तो उसका निकालने के लिए एन धन एक बटे ट्वेल्थ पद हो जाएगा इसका अब तेरा धन एक क्या हो जाएगा चौदह बटे यानी सेवंथ पद अब सातवां पद ध्यान से देख लीजिए तो सबसे पहले क्या करना होगा इन आंकड़े को इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में हम लिख लेंगे तो सबसे पहले जितने भी आंकड़े दिए हैं, चाहे इसका माध्य निकालना कुछ भी बहुलक कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लें यह ज्यादा बेटर होता है अब सेवंथ पद यानी सातवां पद देखना है एक दो तीन चार पांच छह सात सातवें पद पे क्या है चार है तो इसका जो है माध्यिका भी चार आ गई और बहुलक भी चार आ गया अब हमको क्या निकालना है इसका माध्य निकालना है माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे इन सबका जोड़ बटे जितनी संख्या हो तेरा इनका जोड़ अगर हम कर देते हैं ठीक है तो इनका जोड़ अगर हम निकालने तो कितना हो जाएगा नहीं फिर उसका परिसर बोलना है माध्य तो बाद में निकालना है परिसर परिसर या परास तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा चौदह में से एक गया तेरह आ गया अब इनका माध्य निकालना है तो माध्य किसका बहुलक उसके बाद माध्य का परिसर तो तीन डेटा है ना तो पहले ये चार हो गया बहुलक का चार माध्यिका का भी चार आ गया और इसका कितना आया तेरह आया और जितने डेटा होते हैं जितने वो होते हैं आंकड़े उतने ही आंकड़ों उसमें से संख्या से भाग देते हैं तो तीन आंकड़े हैं तीन से भाग दे दिया अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इक्कीस बटे तीन तेरह तेरह चारत्रह चार इकीस चार हो गया और तीन सत इक्कीस सात आ गया अब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा ये बन गया सात अब ये क्वेश्चन देखते हैं यूपी 2016 में और सत्रह में पूछ रखा है आंकड़े दिए हुए हैं इसका परिसर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कर लें आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लें तो सबसे छोटा पहले लिखें फिर उससे बड़ा लिखें फिर उससे बड़ा लिखें पंद्रह के बाद क्या होगा तेईस ही तो आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा पच्चीस आएगा पच्चीस एक दो बार है फिर एक बार पच्चीस लिख लिया फिर क्या आएगा सत्ताईस आ जाएगा सत्ताईस है ना उसके बाद फिर क्या आएगा चालीस आ जाएगा उसके बाद बयालीस आ जाएगा अब इसका परिसर निकालना है परिसर कह लें या परास कह लें एक ही बात है परिसर निकालना है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू माइनस सबसे छोटी वाली तो बयालीस माइनस पंद्रह तो क्या हो जाएगा बयालीस माइनस पंद्रह तो आ जाएगा हमारा सत्ताईस तो इसका राइट आंसर क्या बन गया सी बन गया अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीटर 2017 में पूछ रखा है सांस्कृत सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था तो किसका था इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर ए फिशर का था फिर उसके बाद आंकड़ों के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है रूपात्मक कार्य क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना तो इस तरीके से हमारा ये फिनिश हो गया थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज लेकर आप लोगों के लिए